गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स इन दिस क्लासेस वी सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज वन पॉइंट वन इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिव रेशनल नंबर्स इससे पहले वाली क्लास में हम ये समझ चुके हैं कि भी टू किन्हींविन रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर किस तरीके से निकाले जाते हैं चाहे वो थ्री हो चाहे वो फाइव हो चाहे वो सिक्स हो एनी रेशनल नंबर्स ओके तो हमने ये हम ये समझ चुके हैं कि किन्हीं रेशनल नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर किस तरीके से निकालने होते हैं इसके हमने टू मेथड पढ़े थे फर्स्ट मेथड में हमने ए प्लस बी टू इस वाले फॉर्मूले से रेशनल नंबर्स निकाले सेकंड में हमने जितने भी रेशनल नंबर्स निकालने थे उसका एक अधिक लेकर एक ज़्यादा लेकर उसको डिनोमिनेटर बनाकर ऊपर नीचे डिनोमिनेटर से उस गिवन रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और उसके बीच में जो हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे वो निकाले तो दोनों मेथड हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमें रेशनल नंबर निकाले जाते हैं आज हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं एक क्वेश्चन कि किस तरीके से हम नंबर लाइन पर किसी भी रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके okay? तो नाउ वी टेक सम क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज वन पॉइंट वन हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट फर्स्ट सेवन पॉइंट टू माइनस थ्री बाई टू थर्ड माइनस ट्वेल्व बाय फाइव ऑन द नंबर लाइन ये तीनों नंबर्स आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं कि नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के बारे में आप सभी जानते हैं हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है अब हम नाइन्थ क्लास में हैं आई होप आपको ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने आते होंगे जिसको नहीं आते वो मैं यहाँ पर समझा रही हूँ आप ध्यान से समझें ओके नंबर लाइन जैसे रूलर होता है रूलर पे हम डिजिट्स देखते हैं सिमिलर उसी तरीके से एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी बीच में जीरो लिखा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर लिखने हैं और राइट हैंड साइड पर नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं यहाँ पर हमने ये नंबर लिख लिए। नंबर लिखने के बाद जीरो हमेशा मिड में होता है ये आप सभी को याद है और ये जो डिजिट्स हम लेते हैं यहाँ पर वो सेम डिफरेंस पे लेते हैं अब फर्स्ट हमें करना है सेवन पॉइंट टू नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो ये सिमिलर जैसे रूलर पर हम डिजिट्स देखते हैं कि वन या टू या जीरो या वन या वन या टू टू थ्री फोर फाइव सभी के बीच में इन किन्हीं दो नंबर्स के बीच में नाइन लाइन होती है और टेन लाइन पर क्या आता है नेक्स्ट नंबर आता है जैसे हमने वन लिया वन के बाद आपने रूलर में देखा होगा कि जो वन होता है इसके बाद जो टू आता है रूलर में वो किस तरीके से आता है वन टू थ्री फोर फाइव पे थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है फिर सिक्स सेवन एट नाइन और टेन पर क्या आ जाता है टू तो मतलब वन से टू के बीच में आप क्या लाइन कितनी लाइनें ड्रॉ करते हैं नाइन और टेन पर क्या आता है नेक्स्ट नंबर तो आप इसको क्या समझते हैं कि जो वन है तो वन के बाद ये जो छोटी लाइन है वो वन पॉइंट वन को रिप्रेजेंट करेगी सेकेंड एंड वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट एट वन पॉइंट नाइन एंड लास्ट इज़ टू तो पॉइंट वन वन पर डिफरेंस होता है तो आप इस तरीके से इस नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीख सीख सकते हैं तो ये सेवन था जैसे हमें सेवन पॉइंट टू करना है तो सेवन और एट के बीच में कई नंबर आएगा तो यहाँ पर सेवन लिया और एट लिया उसी तरीके से जिस तरीके से हम रूलर में नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर नाइन लाइने ड्रॉ करी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन पर क्या आ गया एट ओके okay, अब सेवन पॉइंट टू करना है तो ये सेवन पॉइंट वन हुआ ये सेवन पॉइंट टू हो गया तो सेकेंड लाइन किसको शो करेगी सेवन पॉइंट टू को सेकेंड हमें रिप्रेजेंट करना है माइनस के थ्री बाई टू यहाँ पर हमने लिया माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू को हम माइनस के वन पॉइंट फाइव लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं थ्री में आपको टू से डिवाइड कर दें माइनस थ्री में किससे डिवाइड कर देंगे टू से टू वन जा टू तो वन आया वन एन वन बाय टू क्या लिख सकते हैं वन एन वन बाई टू या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसे वन और वन बाय टू को आप क्या लिखते हैं पॉइंट फाइव मतलब हाफ वन का हाफ तो वन का हाफ हो गया पॉइंट फाइव से भी हाफ को हम पॉइंट फाइव से भी रिप्रेजेंट करते हैं ओके तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं थ्री बाय टू को क्या लिखा वन पॉइंट फाइव लिख दीजिए या वन एंड वन बाय टू लिख दीजिए एक ही बात है माइनस साइन था तो दोनों के आगे क्या लगा दिया माइनस अब हमने प्रीवियस क्लासेस में समझा था कि इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं फिफ्थ क्लास में समझा सिक्स में समझा फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में ओके okay? तो, तो हमें क्या करना है माइनस वाली टर्म है मीन्स लेफ्ट एंड साइड पर चलना है तो नंबर लाइन पे लेफ्ट एंड साइड पर चलते हैं हमने नंबर लाइन बनाई जीरो वन टू जहाँ तक आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ तक आप डिजिट्स ले सकते हैं मैंने टू तक लिया आप आगे भी ले सकते हैं यहाँ पर -1 एंड -2 लिया, ओके, अब हमें -1 है, मतलब -1 के बाद ही डिजिट आएगी, क्योंकि -1 तो कंप्लीट हो चुका, उसके बाद हाफ और आ रहा है, हाफ और आ रहा है, मतलब 1. -1. समथिंग उसके बाद हाफ और आ रहा है, हाफ means -1 के बाद 2, -1 और 2 के बीच में हाफ और कंप्लीट होगा means 1 एंड 1 by 2, मतलब 1.5 या फिर आप तो नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकें तो डेढ़ हाफ वन से ज़्यादा तो आप क्या करेंगे ये माइनस वन है तो माइनस वन तो कंप्लीट लेंगे लेकिन इसके बाद ये जो रैशनल नंबर से वन बाय टू या इंटीजर्स हैं तो ये जो वन बाय टू है आप क्या करते हैं नीचे जितने डिनोमिनेटर लिखा होता है माइनस वन के बाद उतने पार्ट करेंगे माइनस वन के बाद कितना लिखा हुआ है ये वन बाई टू तो डिनोमिनेटर में क्या है टू तो मतलब माइनस वन और माइनस टू के बीच में टू पार्ट करेंगे इससे नहीं गिनेंगे जिस पर माइनस वन है माइनस वन के बाद गिनेंगे तो ये वन और ये टू पर माइनस टू आ गया क्या समझाया मैंने ये जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर पहले है, जैसे ये कंप्लीट माइनस वन था तो माइनस वन और माइनस टू के बीच में आएगा हमें ये पता लग गया ये नंबर ओके तो माइनस वन और माइनस टू लिख दिया अब ये जो टू है डिनोमिनेटर जो है इस डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि हमें माइनस वन और माइनस टू के बीच में इतने पार्ट करने हैं तो माइनस वन यहाँ पर था तो ये वन और टू पर क्या जाएगा माइनस टू ओके तो ये माइनस थ्री बाई टू बीच में रिप्रेजेंट किया जिसे कि क्या कहा माइनस के वन बाय वन एंड वन बाय टू ऊपर वाले को हम यहाँ पर शो करते हैं और नीचे वाले का मतलब होता है कि हमें इतने पार्ट करने हैं ऊपर वाले का मतलब होता है कि हमें इस पे मार्क करना है और ये टू का जो डिनोमिनेटर होता है मिक्स फ्रैक्शन में लास्ट वाला उसका मतलब होता है कि हमें क्या करना है इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में इतने पार्ट करने हैं जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा माइनस ट्वेल्व बाय फाइव को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो माइनस ट्वेल्व बाय फाइव को पहले आप मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से चेंज कर लेंगे आपने डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर माइनस के 2.4 आया 2.4 को आप या तो 2.4 लिख दीजिए या फिर इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं डिवाइड करने के बाद जैसे मैंने यहाँ आप पर आपको चेक करके बताया उसी तरीके से आप ट्वेल्व में फाइव से डिवाइड करेंगे तो माइनस के टू आएगा और अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो माइनस के टू एंड टू बाय फाइव आएगा अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे ये जो नंबर है ये जो फ्रैक्शन आप इससे नंबर लाइन पे शो करेंगे इसका मतलब है ये माइनस टू से ज़्यादा है माइनस टू तो आ ही चुका उसके बाद और कुछ नंबर आ रहा है मींस ये माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में कहीं ये नंबर आएगा तो हमने यहाँ पे नंबर लाइन शो करी जीरो वन टू और यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हमें ये पता लग गया कि ये नंबर किसके बीच में आएगा माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में आएगा अब मैंने आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर होता है मिक्स फ्रैक्शन में उतने पार्ट करने होते हैं हमें ये पता लग गया कि माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में आएगा तो माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में आप कितने पार्ट करेंगे फाइव लेकिन माइनस टू को नहीं काउंट करेंगे उसके बाद से गिना स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव पर क्या जाएगा माइनस थ्री समझ में आया तो क्या करें मतलब जो डिनोमिनेटर होता है माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में नंबर आएगा हमें पता चल चुका है तो जो डिनोमिनेटर होगा तो माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में उतना पार्ट किए माइनस टू को काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर और फाइव पर क्या आ गया माइनस थ्री ऊपर वाले का मतलब मैंने क्या समझाया कि इतने नंबर पर आपको मार्क करना है मतलब टू तो वन और टू तो वन और टू पर यहाँ पर क्या जाएगा ये पूरा नंबर कहाँ पर आएगा न और टू इस बीच में तो माइनस टू एंड टू बाय फाइव लिखें या फिर माइनस के ट्वेल्व बाय फाइव लिखें या फिर माइनस के टू बाय फोर लिखें तीनों एक ही चीज है एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे कि नंबर लाइन पर आपको नंबर्स किस तरीके से लिखने हैं आई होप आपको नंबर नेम्स समझ में आए होंगे कि नंबर्स नेम हम किस तरीके से लिखेंगे किस तरीके से हम नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं इम्पोर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं जिनकी सहायता से आप इन नंबर्स को लिखने में आपको मदद मिलेगी कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि वन से छोटे आएंगे या वन से ग्रेटर नंबर्स आएंगे हियर वेन डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर देन वैल्यू ऑफ टेन ऑलवेज लेस देन वन आप ध्यान रखें कि जब भी आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो हमेशा आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वन से छोटी मिलेगी मीन्स वन से कम रेशनल इंटीजर्स या रेशनल नंबर जो भी आप निकाल रहे हैं वो मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखे फोर बाय फाइव सेवन बाय नाइन सिक्स बाय फोरटीन हियर ऑल न्यूमरेटर इज लेस देन टू द डिनोमिनेटर यहाँ पर सभी न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर हैं उससे छोटे हैं तो इन सबकी वैल्यू जो आएगी वो वन से छोटी आएगी वन से छोटी कैसे चेक करेंगे आपने फोर में फाइव से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट समथिंग आएगा पॉइंट समथिंग ऐसे करेंगे तो पॉइंट समथिंग ओके तो इनमें डिवाइड करके देखेंगे तो पॉइंट समथिंग आ रहा है मतलब वो वन भी कंप्लीट नहीं आ रहा तो वन से छोटी डिजिट आती हैं तो आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने में मदद मिलेगी कि ये नंबर किस और किसके बीच में हमें शो करना है इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट है वेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन ऑप्टेन वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑलवेज वन मीन जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो हमेशा जो आपको वैल्यू मिलेगी वो किससे मिलेगी वन से बड़ी मिलेगी जैसे यहाँ पर दैट इज एग्जाम्पल लिया है सिक्स बाई थ्री सेवन बाई टू इलेवन फाइव फी फाइव एक्सेट्रा इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो टू के अप्रोक्सी होगा ये थ्री पॉइंट फाइव बनेगा ये टू पॉइंट टू बनेगा तो आप इनकी मदद से आपको ये पता चल सकता है कि जो ये नंबर होंगे आप नंबर लाइन पर किन किन के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे किन किन बीच नंबर्स के बीच में ये नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होंगे उसके लिए हमें ये कुछ बातें पता होनी चाहिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि नंबर लाइन पर हम जो नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन हैं जो डेसीमल्स हैं उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आई विल सेंड यू पिक्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सो यू कैन डू प्रैक्टिस ऑफ सी डब्ल्यू वर्क एंड ऑल एक्साम्पल्स ऑफ यूर एक्सरसाइज वन पॉइंट वन एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन एंड एक्साम्पल देन यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग ओके आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन में तो आप मेरे से पूछे और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और रैशनल नंबर्स के बीच में किस तरीके से हमने रैशनल नंबर्स निकाले आप उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको कुछ पिक्स भेजूंगी क्वेश्चंस की सॉल्व क्वेश्चंस की उनको आप देखें अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछें ओके थैंक यू